माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसी दिशा में आज यशस्वी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लगभग 11,240 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे, साथ ही एक महत्वपूर्ण धरोहर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं न सिर्फ महाराष्ट्र में व्यापक बदलाव लाएंगी, बल्कि विकास को नई ऊंचाइयां देंगी, हजारों नए अवसर पैदा करेंगी और लाखों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी। भारत सरकार की ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है मेट्रो रेल। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज इन 23 शहरों में 978 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है, जबकि 985 किलोमीटर की नई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुणे मेट्रो के विभिन्न चरणों का अभूतपूर्व गति से निर्माण हुआ है, जिसने पुणे वासियों के जीवन को सुगम बनाया है। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक 3.62 किलोमीटर का भूमिगत मार्ग बनकर तैयार है, जिसमें कस्बा पेट, मंडई और स्वारगेट जैसे 3 भूमिगत स्टेशन परिचालन के लिए तैयार हैं। साथ ही स्वारगेट से कात्रज तक 5.46 किलोमीटर लंबे भूमिगत विस्तार को भी मंजूरी मिल चुकी है। इन नए स्टेशनों के विस्तार से समय की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक के इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन और स्वारगेट से कात्रज भूमिगत लाइन का भूमि पूजन किया जा रहा है। बिटकिन इंडस्ट्रियल परियोजना छत्रपति संभाजी नगर में 6,400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है, जिसमें 60% औद्योगिक एवं 40% आवासीय, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित है। इससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास मजबूत होगा और महाराष्ट्र एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरेगा। आज प्रधानमंत्री बिटकिन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सोलापुर हवाई अड्डे का 65 करोड़ रुपए की लागत से विकास हुआ है, जो प्रतिवर्ष 4,10,000 यात्रियों के आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों के लिए यहां आना अधिक सुलभ हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोलापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। श्रीमती क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा पुणे के भिडेवाड़ा में भारतवर्ष की पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसकी स्मृति में भिडेवाड़ा में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक इमारत में मल्टीपर्पज हॉल, गैलरी, होलोग्राफी, वर्चुअल रियलिटी शो और ऑडियो वीडियो हॉल बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी स्मारक का भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव लाएंगी, जो राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।